आदाब दोस्तों, मैं शिवाना हाजिर हूँ आपको कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाने प्यार पॉडकास्ट पर। तो चलिए सुनते हैं एनआईटी रायपुर के ग्रेजुएट माउनिश की लिखी हुई कहानी। फोन पर नोटिफिकेशन आते ही वो जवाब देने को बेताब हो गया। ये पता है कि टेक्स्ट किसने किया? वो सोच ही रहा था कि क्यों कावेरी कोई इशारा नहीं दे रही। क्या वाकई वो मुझे पसंद करती है या ये सब मेरा वहम है? तभी उसने कावेरी के मैसेज को पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरे साथ कुन्नूर जाना चाहोगे? अब वो पढ़ के निहान की खुशी मानो तुम अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे। निहान एक आईटी एम्प्लॉय है जो बेंगलुरु में काम कर रहा है और कावेरी भी एमएनसी में काम करती हुई एक आईटी लड़की है। कावेरी से निहान की मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई जहां उनके बिल्स अदल बदल हो गए और वो दोनों ने एक दूसरे के लिए बिल का पेमेंट किया। जाते वक्त सीढ़ियों पर निहान ने किसी को पीछे से आवाज देते हुए सुना, एक्सक्यूज मी, इट्स निहान। कहते वो पीछे मुड़ा तो उसने एक खूबसूरत लड़की को अपने चेहरे पर पड़े जुल्फे सवार थे देखा। उस हुस्न को देखकर वो मदहोश हो गया। तभी कावेरी ने कहा, मिस्टर निहान, हमारे बिल्स एक्सचेंज हो गए, हमने एक दूसरे के बिल का पेमेंट किया है। निहान कुछ जल्दी में था तो उसने हड़बड़ी में अपना विजिटिंग कार्ड कावेरी के हाथ में रखकर कहा, उस नंबर को कॉल कर देना प्लीज, मैं थोड़ी जल्दी में। कावेरी का नंबर लेने का ये बढ़िया तरीका। निहान उस दिन काम में बहुत व्यस्त था। कॉफी शॉप में जो हुआ उसके बारे में भूल चुका था, मगर जब कावेरी का मैसेज आया तब जाकर उसे सब कुछ याद आया और वो कावेरी से बात करके बहुत खुश हुआ। उनके बीच बातें बढ़ी, वो एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। देखते देखते मुलाकात दोस्ती में बदल गई और दोस्ती गहरी होती गई। हर वीकेंड मिलना, कुछ शॉपिंग करना हो तो साथ चलना, दूसरों से बनाए प्लान्स कैंसिल करना ताकि एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाए। कुछ ख्याल तो नहीं था कि उनके बीच क्या है, मगर एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। साथ बीता हर एक लम्हा दिलकश था। वो अनजान मोहब्बत से थे और एक दूसरे के जज्बातों से भी बेखबर। एक दूसरे का ख्याल रखना, छोटी सी छोटी बातों पर गौर फरमाना, ऐसी प्यारी चीजें होने लगी। निहान सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो अपनी दिल की बात कहना तो चाह रहा था, मगर उसे डर था कि कहीं कावेरी इनकार न कर दे। ऐसे बहुत से सवाल उसके मन में थे तभी कावेरी ने कुन्नूर जाने का प्लान बनाया। जरूर चलेंगे हम, कहकर निहान ने उस मैसेज का रिप्लाई दिया। अच्छा तो सैटरडे मिलते हैं, कहकर कावेरी ने टेक्स्ट किया। निहान ने फौरन अपने बैग्स पैक करना शुरू किया। अभी दो दिन बाकी थे, मगर मन मान ही नहीं रहा था। कावेरी भी उतनी ही बेताब थी। उसने इजहार के उम्मीद से ही निहान को कुन्नूर बुलाया। सफर का सवेरा बहुत ही सुहाना था। वो दोनों कार में बैठे हुए थे और रेडियो पर तुम ही हो गाना था। मोहब्बत भरा गीत, सुबह की ठंडी हवा और खाली खाली सा रास्ता। माहौल इश्क का था और वो दोनों एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। दोपहर तक वो कुन्नूर पहुंच गए और होटल पे लगेज ड्रॉप करके वो कुछ नजारे देखने निकल पड़े। निहांत एक हसीन मौके की तलाश में था और कावेरी भी बेताब होने लगी। वो सोचने लगी कि क्यों निहांत इजहार नहीं कर रहा। कुछ वक्त बाद वो वापस होटल लौटे और डिनर के लिए बैठे हुए थे। तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? निहांत ने पूछा। दो परोठे और एक चिकन करी, कावेरी ने कहा। मेरे लिए भी वही ला दो और एक गुलाब जामुन। तुम मेरे लिए गुलाब जामुन ऑर्डर करना भूलते नहीं हो ना? तुम्हें पसंद जो है कावेरी, अपनी पसंद की चीज को पाना गलत थोड़ी है। ठीक है निहान, वैसे कल कहाँ चले कावेरी? तुम बताओ,
यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे नज़ारे हैं। मैंने सुना यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर कैथरीन फॉल्स है, वहाँ पर चलते हैं क्या? ठीक है निहान, वहीं पर चलते हैं। निहान अपनी मोहब्बत का इजहार एक सुंदर सी झील पर प्लान कर रहा है। बहुत देर की बातों के बाद वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने कमरे चले गए। वो दोनों इंतजार में थे कि कब सवेरा होगा और कब वो लम्हा आएगा। वो सवेरे सवेरे वॉटरफॉल्स को देखने के लिए निकल गए और निहान ने आखिरकार मौका ढूंढ ही लिया। वो वहाँ पर पानी के पास एक पत्थर पर बैठ गया और कावेरी आकर उसके पास बैठी। कावेरी निहान के गालों को अनकही मोहब्बत की ख्वाहिशों से देख रही थी। तभी निहान ने अपने बैग से अपना कैमरा निकालकर कुछ प्रेम पक्षियों की तस्वीरें खींचने लगा। उसने एक तस्वीर कावेरी को दिखाया और कावेरी ने कहा, कितना प्यारा जोड़ा है ना निहान। निहान कावेरी के नजदीक आया और कहने लगा, क्या हमसे प्यारा है? कावेरी को मोहब्बत की उम्मीद तो थी, मगर ऐसा इजहार उसने सोचा ही नहीं। उसने फौरन निहान को हाँ कह दिया और वो दोनों एक दूसरे के गले मिले और निहान ने रिंग पहनाकर कावेरी को और भी खुश कर दिया। निहान मुस्कुरा रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा। होता भी नहीं क्यों, उसे अपनी महबूबा जो मिल गई, अब सारी जिंदगी मोहब्बत में बिताने बेताब हो रहा था। एक छोटा सा सफर अंजाम में खूबसूरत जिंदगी दे गया। कुछ इतना सा था एक किस्सा। अगर आप भी अपनी कहानी मौनिश की तरह दुनिया को बताना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल आईडी पर जरूर मेल कीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।